हेलो, वेलकम टू 1 मिनट रिवीजन क्लास ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम बात करेंगे कार्ल मैनहाइम की। उनका जन्म 27 मार्च 1893 बुदापेस्ट ऑस्ट्रिया में हुआ था। उनकी डेथ जनवरी 9, 1947 लंदन इंग्लैंड में हुई थी। उनके जो मेजर आइडियाज थे वो एक हर्म्यूनेटिक थिंकर थे, राइट? और उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज पे बात करी थी, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया पे बात करी थी, हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म पे बात करी थी, रैशनलिज्म पे बात करी थी, टोटल एंड पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे बात करी थी। उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ यूटोपिया बताए थे, क्रिएटिव इंटेलिजेंसिया पे बात करी थी, मैक्रो एंड माइक्रो सोशियोलॉजी पे बात करी थी, स्ट्रक्चर्स ऑफ थिंकिंग, सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी, प्लानिंग ऑफ पर्सनैलिटी, डेमोक्रेटिक प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नॉलेज पे बात करी थी, जो कि उनकी थीसिस थी। ये उनके कुछ मेजर आइडियाज थे जो कि डायरेक्ट कीवर्ड्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ये बहुत ही कॉमन, और सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये उनके बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आप इनको याद करते रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।